Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSK Vlogs. So guys, ये एक और वीडियो है जिसमें हम लोग आपको दो बकरे दिखा रहे हैं. एक तो कोटा है और एक काला हरी बोर है जो कि अवेलेबल है फॉर सेल मोनू भाई के पास. तो आइए मोनू भाई से बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम मोनू भाई. तो मोनू भाई, ये बकरी भी फॉर सेल है? ओके, थोड़ा सा लाउडली बोले मोनू भाई. इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं माइक ले लूँगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो इनकी डिटेल्स वगैरह क्या होगी, क्या दांत पे है, क्या वेट पे है ये दोनों? यही बकरा चार दांत है, चार दांत पे है ये. ओके, और ये भी लगभग 55 से 60 किलो के आसपास. 55-60 किलो होगा. ओके, और ये वाला बोर जो है 60 से 65 किलो है. 60-65 किलो, ये भी चार दांत पे है? हाँ, चार दांत. ओके, ये अपने यहाँ की होम ब्रीड है या परचेस किए हुए बच्चे? ये भी परचेस किए हुए. ठीक है, अपना फुल टाइम जो भी रहता है काम जो है, फुल टाइम क्या काम करते हैं मोनू भाई? काम है, का है. अच्छा, और ये अपना साइड बिजनेस है, पार्ट टाइम, मतलब एक शौक के हिसाब से भी है, छोटा मोटा ट्रेडिंग भी. ओके, सही है. तो गैरेज मतलब कौन से, मतलब मेरे को मुश्ताक भाई बता रहे थे कि आप रिक्शे का हुड वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए भी आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसके लिए भी मैं डाल दूंगा. अगर किसी को अपने ऑटो वगैरह का हुड वगैरह बनाना हो भिवंडी के अंदर, तो मोनू भाई से कॉन्टेक्ट करें. इनका मेन बिजनेस वही है, रिक्शे के हुड वगैरह ये लगाते हैं. हुड मतलब जो इसको छत बोलते हैं, रैगजीन वगैरह जो होती है ना वो. ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूछा, मुझे पता था, लेकिन एक अलग से उसके लिए भी शाउट आउट देना जरूरी है ना, मेन बिजनेस भी है ना. ठीक है, तो ये दोनों बकरे हैं चार दांत पे, और वजन आपने इसका कितना बताया? इसका 55 से 60 किलो और इसका 60-65. ठीक है, माशाल्लाह ये भी अच्छा है. लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शिफ्ट हुए हो क्या आप? कितने दिन हुआ यहाँ पे आके? ये लगभग एक महीने के आसपास हो रहा है. और ये गर्म बहुत ज्यादा है. तो ये कैसा होता है कि अभी ये सेमी भराई पे तो है नहीं है, सेल्फ फीडिंग पे ही था. सेल्फ फीडिंग पे है. तो सेल्फ फीडिंग पे बकरे चढ़ने के बाद में ये हाल होता है इनके साथ में. ओके, क्योंकि ये चार चार दिन पांच पांच दिन दाने को छूते नहीं है, खाली पानी पी पी के रहते हैं बस. ओके, थोड़ा बहुत खा लिए जिंदा रहने के लिए, तो बस उनके लिए उतना बहुत हो गया. ओके, तो इनके लिए ऐसे बकरों को फिर अपने को सेमी भराई करना पड़ता है. अच्छा अच्छा, ये बकरे को भी हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे अपन लोग भराई पे ले लेते हैं, हाँ. तो ये भी तैयार होगा? तैयार होगा माशाल्लाह. हाँ, ये मतलब उस मतलब मैं बोलने मतलब आप समझ रहे हैं, ये तैयार होने वाली क्वालिटी वाला बकरा है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ. तैयार होने वाली क्वालिटी का बकरा है. हाँ, मतलब वही मैं पूछ रहा था. मेरा क्वालिटी में अभी इसको क्या है, इसकी झालर है, सिक्के है, पैर सब अच्छे, इसका खाली पेट नहीं है. पेट नहीं है? हाँ. अगर इसको पेट आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली बड़ा बकरा दिखेगा. फ्रेम व्रेम सब इसका अच्छा है. बस बकरे में सिर्फ पेट होता है. पेट ही अपने को, अगर पेट अगर इसका खुल गया तो बकरे का साइज दिखने आने. ओके, अच्छा, हम लोग ये छोटे बकरों को भी भराई पे ले सकते हैं क्या? जैसे ये बकरे है, हाँ, इनको भी ले सकते, ले सकते हैं. जैसे कोई बकरा यहाँ पे अपने से खरीदता है और बोलता है इसको भी सेमी भराई पे ले लो, पूरा फुल भराई पे तो अपन नहीं रखते ना. फुल भराई पे अपन नहीं रखते, क्योंकि सामने वाले को भी कैसा, अभी टाइम कम है, बरोबर है, तो वो हिसाब से उनको रिजल्ट भी देना रहता है फुल भराई पे. तो फुल भराई पे तो हम लोग नहीं कर पा रहे. अगर सेमी भराई में हम लोग का कैसा है कि अभी हम लोग चालू कर रहे इधर पलाई का, अगर होता है तो हम लोग यहाँ से बकरी तक में सेमी भराई पे बकरा लेंगे. अच्छा, भराई का अपना रेट वगैरह क्या है, सेमी भराई जो आप बता रहे हो? देखो, बाकी मोर्टेलिटी पे लोग बोल रहे कि मैं ये देता हूँ वो देता हूँ, तो अपना वो चीज नहीं है उसके अंदर. तो अपन उसके अंदर क्या करेंगे, सेमी भराई जो है ना, अपन 3,000 रूपए में चालू कर रहे हैं सेमी भराई. सेमी, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या रहता है, मतलब जैसे अभी दिन भर तो अनाज दाना ये सब चलता है, पत्ती दाना वाना ये सब, भराई जब आप करते हो रात में तो उसमें आप क्या देते हो बकरों को? अभी देखो, सेमी सेल्फ फीडिंग का क्या मसला है कि आपका जानवर जो है ना, अगर आप खिलाओगे तो वो कितना दाना उठाएगा, बहुत उठाएगा, तो 1 से 1.25 किलो उठाएगा. 1 से 1.25 किलो, हाँ. ठीक है, तो हम इसको एक टाइम पे रात में, ये सुबह से लेकर अगर आधा किलो पौना किलो भी अगर दिन भर में खाता है तो हम लोग इसको कम से कम रात में जो गीला दाना होता है तो वो कम से कम 2 किलो के आसपास भरते हैं. भरते मतलब वही नाल लगा के जैसा भराया था वैसे ही भरते कि कोई अलग? बाकायदा वो खुद से शौक से खाएगा वो, मतलब भराई हम लोग करेंगे ना तो ऐसा नहीं वो मुंह से निकालेगा, वो उसकी भूख रहेगी वो उतना लेगा उससे. 2 किलो के आसपास तो आराम से एक बकरा खाएगा, 2 किलो पौने 2 किलो आराम से. तो 3,000 रूपए में आप सेमी भराई करते हो, और नॉर्मल अगर पलाई पे रख रहा है कोई तो उसका क्या रेट है आपका? नॉर्मल पलाई पे अगर रखता है तो
70 किलो के नीचे अगर बकरा रहेगा ना तो अपन उसको 2200 रुपए चार्ज करेंगे। 70 किलो के नीचे? 70 किलो के नीचे 2200 रुपए। हार्डली ऐसा होगा कि 70 किलो के नीचे, 70 ज्यादातर तो बकरे 70 के नीचे ही आएंगे, तो इतना तो कोई हैवी बकरा चार्ज भी हम लोग थोड़ा कम रखे हैं। 70 के ऊपर रहता है तो वो 2500 रुपए चार्ज। 70 के ऊपर 2500, 70 के नीचे 2200 रुपए। और अगर उसके भी नीचे ऐसा एक और स्लैब बना दो ना, जब आपने दो स्लैब बनाए हो तो। हाँ, तो एक स्लैब बन जाएगा। अगर ज्यादा छोटे बच्चे रहते हैं यानी 20-30 किलो के या 30-32 किलो के तो उसका भी एक बना देंगे 1800 रुपए चार्ज उसका कर देंगे। 1800 रुपए मोर्टैलिटी का हम लोग कुछ भी नहीं देने वाले। बिल्कुल ठीक है, जिंदगी मौत का तो किसी का कोई भरोसा नहीं। सही है। और सेमी भराई का जो रहेगा ये कैसा, ये कब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जैसा भी भराई वाला जो बता रहे हो सेमी भराई, उसका एक लिमिटेड पीरियड ही अपने हाथ में बचा है, रमजान एक महीना, उसके बाद के सवा दो महीने ले दे के सवा तीन साढ़े तीन महीना पकड़ लो। हाँ, तो इस पीरियड में ही हम लोग सेमी भराई का कॉन्सेप्ट रखेंगे फिलहाल, है ना। उसके बाद जो भी होगा सीजन के बाद वापस से वीडियो अगर किसी को साल भर के लिए चाहिए सेमी भराई तो उसमें भी क्या होता है कि बकरा सेल्फ फीडिंग पे, यानी अगर अपन बकरा लेके भी गए तो बकरा घर पे खाएगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं खाएगा। हाँ, तो उनकी जो खुराक रहती है बड़े बकरे की फ्रेम के हिसाब से, तो फिर वो हमको भी तो अगर तैयार करना है बकरा तो वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ, सही है। और ऐसा नहीं है कि अगर जो भराई के बकरे रहते हैं तुम अगर लेके चले गए अपने घर पे शौक या तौर पे तो तुम अगर उसको जानवर को नहीं खिलाओगे तो वो तेजी से रिवर्स लेगा। अच्छा, तो ये सेमी भराई के बकरे ये रिवर्स नहीं होंगे, ये दिन में तो उनको खाने की आदत रहती है तो वो था उतना दाना जो वो खुद से उठाते हैं वो उठाएंगे, उठाते हैं वो उतना दाना वो खाएंगे। अच्छा, इसमें बेनिफिट ये है कि किसी को मतलब अगर कोई बकरा भराई पे भी देता है तो टेंशन नहीं है, ईद के पहले अगर अपना शौक पूरा करने के लिए हफ्ता भर 10 दिन पहले घर पे ले जाता है तो उसके बकरे रिवर्स नहीं होंगे, इस बात का उसको डर नहीं है, है ना। अच्छा, आपने पहले ऐसा किया है, ऐसा मतलब बकरे तैयार करके आपने दिए है किसी को? मैंने पिछले साल के मेरे माशाल्लाह एक सोजत था जिसका नाम सुल्तान रखे थे। अच्छा, एक हैदराबादी बकरा था, बड़े बड़े बकरे थे, कम से कम 6-7 बकरे मेरे सेल हुए। वो ईद के दिन ही यहाँ से चेकआउट हुएंगे ना फार्म से? नहीं, ईद के दिन ही हो गए, वो कुछ दिन पहले ही कोई लेके चला गया जिसको रखना था, तो वो सेमी भराई के थे कुछ कुछ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया फीडिंग के थे, कुछ बकरों ने किसी ने प्रॉब्लम नहीं दिया, कुछ भी प्रॉब्लम, जैसा खाते थे वैसे ही खाते, बस शाम में जो भराई होती थी वो बंद कर दी गई, बंद करना पड़ता है, उससे कुछ फर्क उतना नहीं पड़ता है। लेकिन इनके जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको कि अगर बकरा ज्यादा गर्म हो जाता है, अगर वो दाना पीना नहीं खाता है तो उतना तो उनको करना ही पड़ेगा अगर तुमको बकरा चढ़ाना है तो। बाकी तो तुम सेल्फ फीडिंग पे भी रखो बकरा तो कोई वो नहीं है ना, मतलब बकरे तो अपना सेल्फ फीडिंग से भी अगर उनको रेगुलर अच्छा खाना मिल रहा है कंटिन्यूसली, अच्छा डाइट है उनका, खा रहे उठा रहे दाना, तो भी अच्छे बकरे तैयार हो जाते हैं ना, तो जरूरत ही नहीं है तुमको सेमी भराई पे कुछ करने की। अगर जानवर जो है अगर दाना अच्छा उठाता है तो तुमको फिर सेमी भराई की जरूरत नहीं है, नहीं उठाता है तो उसकी जरूरत आती है। सही है। तो अभी जैसे कोई, अभी एक और सवाल, जैसे कोई ये दो बकरे हैं ये अपने यहाँ के हैं और अभी तक हम लोगों ने जितने बकरे की वीडियो बनाई ये भी सब अपने यहाँ के हैं, कोई बंदा अगर बोला भाई मेरा बकरा यहाँ से मैं ले रहा हूँ लेकिन पलाई पे भी मैं तुम्हारे पास रखूंगा तो पलाई में कुछ कंसेशन मांगा तो आदमी बोलता है ना भाई तुम्हारे पास ही रख रहा हूँ, भाई तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ही है तो मुझे कुछ प्राइस वो मैं इसका सौदा करूंगा तो मेरे सौदे के हिसाब से जो बकरी तक का पलाई करेगा तो वो फिर अपने जो भी रहेगा तो उसमें कुछ रियायत दोगे? जैसे अभी आप 3000 बोल रहे हो, आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है मैं बकरा यहाँ से ले रहा हूँ कम से कम 2500 तो होना चाहिए, तो आप सेमी भराई देखो मैंने ऑलरेडी 3000 रुपए रखा हूँ, क्यों? क्योंकि एक बकरे के पीछे अगर तुम घर पे पाल रहे हो तो 1-1.25 किलो जानवर को खिलाओगे, ये जो मेरा 3000 का जो कॉस्टिंग है ना मेरा खाली वो 3000 कॉस्टिंग में जा रहा है। अच्छा, जो मेरे महीने की जाने की। ये सवाल मैं इसलिए ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है, मैं क्यों ना हूँ, मैं आपसे बकरा लूंगा मैं भी यही सोचूंगा कि यार मोनू भाई के पास ही है कुछ बकरा मैं दे रहा हूँ तो उसमें होना चाहिए कुछ, तो इसलिए है ना, हो गया ऐसा, लोग पूछते भी है इसीलिए मैंने पूछ लिया। बकरा लेने के बाद में अगर मेरे भाव में जाने के बाद में अगर ये बकरा मेरे पास पलाई पे आता है तो इंशाल्लाह कर देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, चलेगा, माशाल्लाह वीडियो ये अच्छा बन गया, 9 मिनट का वीडियो बन गया और ये तो शाहरुख खान दिख रहा है पूरा हंस दिया देखो, घोड़े का उस्ताद है ना, चल अभी घोड़ा चलाएगा ना, अभी तेरा भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, है ना, चला के दिखाएगा। ठीक है,
तो गाइज अभी हम लोग इसका वीडियो शूट करेंगे, ये घोड़ा चला के दिखाएगा अपने को, ठीक है। तो चाहे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो ना, मैं पीछे खड़े हैं। हाँ चलो सीरीज खत्म।